कोबरा उठा के डाल लिया ऐसे गले में, सेल्फी लो मोर के साथ, मोर। भीष्म ने बाण पे बाण मारना शुरू किया तो तुमको लगा कि धरती फट जाए और हम समा जाए। वो अपने स्टूडेंट के साथ उतर के लड़ना भी जानते हैं, कोच जीवन में बहुत जरूरी है। 28 घंटा पढ़ने वाला ये मैच फिक्स है ना। मोदी जी कौन सा आए आईटी गए थे, बोले आइटम सॉन्ग देखने आए, अच्छा नहीं लग रहा। भीष्म पितामह से बहुत लोग लड़े होंगे अर्जुन से पहले, पर उनको पता नहीं था कि इनको मारना कैसे। तो वो उसका कोच है अर्जुन का कृष्ण, वो कहता तू टेंशन मत ले, शिखंडी को खड़ा कर दे। उसने शिखंडी को खड़ा कर दिया, पितामह ने हथियार रख दिए, अर्जुन पलटा पीछे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है। बोले आइटम सॉन्ग देखने आया, अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी बीवी की साड़ी खींची जा रही थी, ये भी बैठा हुआ था, वो तुम्हारा प्यारा सा बच्चा अभिमन्यु, वो जब मारा गया तो निकाल के तो लौट गया यार। तुम्हारी डायरेक्शन अगर सही है ना, तुम्हारा हाफ ऑफ द गेम कंप्लीट है। मेहनत मजदूर करते मजदूर, बहुत लोगों ने आईटी के एग्जाम दिए होंगे, दे ही रहे होंगे, पर तुम लकी थे कि तुम्हें किसी ने डायरेक्शन बता दी, तुमने सही समय पे डिसीजंस ले लिए, और सबसे बड़ी बात कि उस नेचुरल फोर्स ने तुम्हारी मदद कर दी। और वो मदद ऐसे ही करती है, उसे मदद करने का तरीका ऐसे ही है कि तुम तैयारी करने गए, तुम्हें ग्रुप बहुत अच्छा मिल गया, फाइटर टाइप का ग्रुप, 28 घंटा पढ़ने वाला, 4 घंटे सपने में भी लगा दिए, सो तुम्हें सीनियर्स मोटिवेट करने वाले मिल गए, तुम्हें लैंडलॉर्ड मिल गया, उसने कहा भैया ये मकान की चाबी लो, मैं तो अमेरिका जा रहा हूं। ये है फेट, ऐसे ही मदद होती है, ऐसे ही हेल्प होती है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं। और कभी कभी तुम बहुत अच्छा बैकग्राउंड लेकर आए तैयारी करने, और तुमको क्लास में नॉर्थ कोरिया और ईरान मिल गया कि मोदी जी कौन सा आए आईटी गए थे। आज हमसे एक लड़के ने पूछा कि मैं धावक बनना चाहता हूं, तो कोच जरूरी है, बहुत जरूरी है, कोच जीवन में बहुत जरूरी है। कोच मतलब वो व्यक्ति जिसको डायरेक्शन पता है, दिशा पता है, और जीत निर्भर करती है दिशा जानने पर। तुम कृष्ण को हटा दो महाभारत के युद्ध से, अर्जुन की सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। कृष्ण एक बहुत अच्छे कोच है, वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट भी करना जानते हैं, वो अपने स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट देना भी जानते हैं, वो अपने स्टूडेंट के साथ उतर के लड़ना भी जानते हैं, सिर्फ प्रवचन देना नहीं जानते, वो एक बहुत विशाल पर्सनैलिटी है। भीष्म ने बाण पे बाण मारना शुरू किया, रथ का पहिया उखड़ गया, रथ तितर बितर हो गया, तो उठाया उन्होंने रथ का पहिया और भागा भीष्म की तरफ कि मैच फिक्स है ना, तब काहे बाउंसर डाल रहे हो। तो उनको याद आया कि गलती हो गई सर, सिर्फ याचना करना नहीं जानते, लड़ना भी जानते हैं। पितामह पितामह करते हैं हर बात पर, पितामह पितामह हाथ जोड़े हुए हैं, और हाथ जोड़ने की महिमा तभी है जब तुम युद्ध करना जानते हो। इसलिए जब तुमसे रिक्शा वाला कहता है कि भैया मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, तो तुम उसकी ज्यादा लोड नहीं लेते। तुमसे जब भी कोई कमजोर आदमी कहता है कि भैया मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं आपको प्रेयर करता हूं, आप लोड नहीं लेते, क्योंकि आपको लगता है कि करोगे नहीं तो जाओगे कहां। लेकिन अगर अभी योगी जी फोन कर दे
कि तिवारी तुमको दो दिन से देखे नहीं है, वो आंख से आंसू निकल रहा है, कहां हो? तो तुमको लगा कि धरती फट जाए और हम समा जाए, और तुम हर दरवाजे पे नॉक करके बोलोगे कि योगी, और हो सके तो रिकॉर्ड भी कर लोगे। हजार बार मना किए, किसी के साथ सेल्फी मत लो, मेरे साथ भी मत लो, तुम मानते ही नहीं यार, तुम सुनते ही नहीं। हमारी फेसबुक पे कहीं कोई फोटो देखे किसी के साथ, हम तो इतने लोगों से मिलते हैं, सेल्फी लो मोर के साथ, मोर कहीं मोर नाच रहा हो, कहीं चीता तुमने पकड़ रखा है, ऐसे ले लो, ऐसे सेल्फी ली जाती। कहीं तुमने हाथी का सूंड पकड़ के घुमा रहे हो, कोबरा उठा के डाल लिया ऐसे गले में, जैसे वो गैंग सब वासेपुर में पकड़ता है, कहता भैया कितना सेक्सी लग रहा है, कोबरा काट ले तो मर जाओ।